ओके बेटा, अब हम चलते हैं आगे। सो आई विल टेक हेल्प ऑफ सान्या। सान्या, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखवाइए बेटा, व्हाट इज द मास सर ऑफ, हमें मास निकालना है। वी हैव टू फाइंड मास एंड वी आर गिवन मोल। मोल कितना? वाटर जीरो पॉइंट मॉलिक्यूल्स फाइव मोल। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? मोल इज इक्वल टू मास। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अप्लाई स्टार फॉर्मूला। याद है स्टार फॉर्मूला? दिखा दें स्टार फॉर्मूला, ये रहा, ये वाला, वन मोल पार्टिकल मास मोलर मास। तो स्टार फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। अब इसके बाद वन मोल में कितना मास होता है? वाटर का मास, वाटर का मास 18, ठीक है, 18 ग्राम्स। तो वन मोल में इतने हैं, तो हमसे पूछा 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल में कितना हो गया x। सो x इज इक्वल टू 0.5 इनटू 18। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 9 ग्राम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टॉपिक हमारा मोल कंसेप्ट चल रहा है और मोल कंसेप्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन में हु विल हेल्प मी, हियर आई विल टेक हेल्प फ्रॉम रिया। यस रिया, हेल्प मी आउट इन दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट मोल बेटा, मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट इज गिवन? मास, ठीक है बेटा। व्हाट इज गिवन हियर? वी आर गिवन मास 16 ग्राम। तो फर्स्ट स्टेप वाज गिवन, ओके, गिवन डन। व्हाट इज सेकंड स्टेप रिया? सो वी विल टेक आउट द मास ऑफ सल्फर 8 मोलर मास। सो विल, जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो इट इज मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप इन मास? वी विल राइट मोलर मास। सो सल्फर इज 32 इनटू 8, सो 32, यस 256, एंड मॉलिक्यूल इज 6.022 इनटू 10^23। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 256 भी बेटा लिख सकते हैं। तो इतने में इतने मॉलिक्यूल हैं। सो इट इज आस्किंग अबाउट 16 ग्राम। तो 16 ग्राम इज इक्वल टू x क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 16 इंटू 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 8 वन जा 8 टू जा, ठीक है, तो 8 टू जा 16। सो 2 वन जा एंड ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसको हम ऐसे करेंगे तो 16, आपका 16। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर आ जाए दैट मच मॉलिक्यूल्स। चलो जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर निकालना जरूरी है। देखो अब क्या होता है, मैं इस चैप्टर के एंड में ना एक टॉपिक रहूंगा, उस टॉपिक का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि जो ये हमारा आंसर आया है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन होता है वन डेसिमल में, जो भी आपका पॉइंटों में आया ना पॉइंट करके, तो आप इसको वन डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो ये आ जाएगा 3.76 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स। तो आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो आपने अगर पेपर में इतना लिख के छोड़ दिया वो भी ठीक है, ये कर दिया तो ये थोड़ी साइंटिफिक डिनोशन हो गई, ठीक है ना, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो मैं एक टॉपिक कराऊंगा इस चैप्टर के एंड में जो आपके बुक का शुरू का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चैप्टर को उल्टा शुरू किया है, तो एंड में करवाऊंगा इस चैप्टर के, वहां पे बताऊंगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अभी आपको आइडिया लग गया कि कोई भी हमारे पास डेसिमल में वैल्यू हो तो उसको वन डेसिमल में, थ्री पॉइंट करना वन डेसिमल में लेके आना, इस तरह से लिखना, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है जनरली बच्चों से थोड़ा टाइम लगता है, सॉल्व तो हो जाता है बट इट टेक्स टाइम। अब मुझे ये बताइए, ये भी होमवर्क में दिया था क्या? जस्ट टेल मी। नो सर। चलो अब आप इस क्वेश्चन को बेटा कॉपी में लिखो और मैं आप लोगों को दूंगा 2 मिनट्स सॉल्व इट। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3।
चलो अब आप इसे अपनी कॉपी में लिखो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, योर 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। लो बेटा अब हम इसमें गिवन लिखेंगे सबसे पहले, फिर जो बोल रहा है उस हिसाब से हम स्टेप फॉलो करते जाएंगे, जो जो मैंने स्टेप बेटा आप लोगों को सिखाया हुआ है। देखो जी सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.015 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब पूछ तो एल्युमिनियम का रहा है और हमें टोटल मास टोटल एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले गिवन लिखते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, मतलब हमें नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस निकालने हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। एंड वी आर गिवन मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड वी आर गिवन, इट इज 0.051 ग्राम। अब ये क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पूछा हुआ है और हमें ये सारा मास दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पहले मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एक मॉलिक्यूल है, तो हम आयंस नहीं निकालते, हम पहले मॉलिक्यूल निकाल लेंगे उसके बाद में हम एल्युमिनियम निकालेंगे। तो हम इक्वेशन बनाते हैं इस तरह से, मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। अभी आपको समझ में आया कि मैंने मॉलिक्यूल्स क्यों लिया, क्योंकि वो सिर्फ एक का पूछ रहा है, पहले मैं एक बार टोटल मॉलिक्यूल निकाल लूंगा, बाद में ये निकल जाएगा आराम से। अब मास में ये वाला मास यूज हो जाएगा क्योंकि हमें टोटल मास दिया हुआ है, तो मास का मतलब मोलर मास, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का मोलर मास निकालते हैं, 27 × 2 + 16 × 3 कितना आ रहा है बेटा इसको करके, 102 ग्राम। तो 102 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 6.022 × 10⁻³। हमसे पूछा है इतने में 0.051 में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो आप इसको निकाल लीजिए 0.051 × 6.022 × 10⁻³³ / 102। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको करने के लिए, आप इस तरह से करें, ये पॉइंट हटा दें तो नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं छेड़ना, अभी अभी ये कर दो 51 एंड ये 2 और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.011 × 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल्स। बताइए पहले यहाँ तक समझ में आया, बोलिए बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, क्या किया मैंने कैसे किया, देखो जरा ध्यान से सी। देखो बेटा अब हमने क्या किया, हमने पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब उसने हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, उसने हमसे एल्युमिनियम पूछा है। अब हमने एक बार मॉलिक्यूल निकाल लिया, भाई इतने मॉलिक्यूल हैं। अब आप देखो एल्युमिनियम जो हमारा CO2 है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 है तो CO2 में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इसी तरह अगर हमारे पास 1 एल्युमिनियम मॉलिक्यूल है, लेटर से 1 एल्युमिनियम मॉलिक्यूल Al2O3, अब मैं कहता हूँ कि 1 एल्युमिनियम मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम कितनी बार है, तो एल्युमिनियम 2 है, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, 3.011 × 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल हैं, तो एक में 2 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एल्युमिनियम आयंस होंगे, तो बस इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एल्युमिनियम आयन पता चल गए। अगर हमसे ऑक्सीजन पूछेंगे तो इसी वैल्यू को ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 3 से, तो हमें ऑक्सीजन का पता चल जाएगा। तो ये तरीका है, एक बार जरा फिर से देख लो मैंने क्या किया, मैंने पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब ये टोटल मॉलिक्यूल हैं। अब एक एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 होता है एल्युमिनियम, तो मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, एक में इतना होता है, मेरे पास इतने सारे हैं, तो इतने सारों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट टोटल एल्युमिनियम आयंस। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम आपको हिंट देते हैं इसको कैसे करना है, देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल्स और हमें क्या दिया हुआ है, मास। देखो मास मास बार बार आ रहा है, 0.05 ग्राम वाटर, तो हमारी इक्वेशन बन गई मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, तो मास होता है वाटर का 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। हमसे पूछा हुआ है 0.05 ग्राम में इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू 0.05 × 6.022
इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय कितना 18। बस आप इसे सॉल्व कर लेना बेटा, बस अब आपका कैलकुलेशन है, पावर को छेड़ना मत, बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो बेटा आपका आंसर आ जाए वो आप यहाँ पे लिख लेना, पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस मुझे ये बता दो आप लोगों के स्टेप ऐसे ही हैं जैसे मैंने करवाए हैं। यस बेटा, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, हियर वी आर टेकिंग वॉल्यूम इन टू कंसिडरेशन। सो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको मोल कंसेप्ट में, तो मैं ही आपको काफी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन्हीं को आप क्लास के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर, लीटर इज वॉल्यूम, ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि एनटीपी होता क्या है। एनटीपी बोलिए या एसटीपी बोलिए, एक ही बात है। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है कि जरूरत पड़े तो टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, ये कन्वेंशन है। कहीं कई जगह पे अलग, अमेरिका में 290 लेते हैं, इंडिया में हम 298 केल्विन को लेते हैं। और प्रेशर जो है हमने वो लेना है 1 bar, या अगर एटमोसफियर में लेना है तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 atmosphere, तो आप ऐसा ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। और प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 किलो पास्कल भी आप ले सकते हैं। ये है कि भाई ये आपका, ये चीजें हैं जो आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एनटीपी कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसका मतलब है कि अगर हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाए तो 298 केल्विन लेंगे, प्रेशर 1 atmosphere या फिर इतने पास्कल या अप्रोक्सीमेटली 1 bar के आसपास लेते हैं। तो बस आप इसको नोट कर लीजिए सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, बट इसका यहाँ पे कुछ यूज नहीं है क्योंकि ना तो हमें जो हम इक्वेशन बना रहे हैं ना तो हमें वहाँ टेम्परेचर चाहिए ना हमें प्रेशर चाहिए, तो ये ऐसे लिख देते हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका है इसको लिखने का। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा जो हमें स्टेप पता है। सबसे पहला स्टेप, वी हैव टू राइट गिवन। सो अमनजोत हेल्प मी आउट, व्हाट इज गिवन? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है अमन, एक मिनट म्यूट करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि एटम भी बताइए एंड मॉलिक्यूल भी बताइए, मतलब दोनों चीजें बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एटम भी बताना है मॉलिक्यूल भी बताना है, तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल निकालना है, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि जब आप मॉलिक्यूल निकाल लोगे तो वो एटम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आपने मॉलिक्यूल निकाल लिया, अब ये मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल लिया, अब इसमें 2 atom है तो जितना मॉलिक्यूल आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपसे वो एटम भी पूछ रहा हो और मॉलिक्यूल भी पूछ रहा हो, तो पहले मॉलिक्यूल निकालो। क्यों? क्योंकि आपको मॉलिक्यूल ही दिया हुआ है, तो पहले मॉलिक्यूल निकालोगे तो जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 oxygen मॉलिक्यूल मींस 2 atom, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी आंसर आए। तो इसलिए ये इजी रहता है और ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे आप। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि एटम भी बताइए मॉलिक्यूल भी बताइए, तो पहले हम मॉलिक्यूल निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया। और हमें दिया हुआ है वॉल्यूम 11.2 लीटर्स, तो ये हो गया हमारा गिवन। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप, स्टार फॉर्मूला, तो मतलब हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा। तो हमें निकालना है वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। एसटीपी, एसटीपी और एनटीपी मतलब कंपैरिजन, जो आपको मोल फॉर्मूला पता है, ये ना भी दे तो भी हम इसी तरह करते हैं। 22.4 लीटर में कितने मॉलिक्यूल? 0.022 × 10^23 मॉलिक्यूल। तो हमसे पूछा है 11.2 लीटर में, तो ये तो हाफ ही हो गया एग्जैक्टली। अगर देखो इतने में इतना तो हाफ में कितना, तो इसकी वैल्यू को हाफ कर दो, तो x इज इक्वल टू 6.022 × 10^23 × 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये डिवाइड कर दो 2 आएगा, इसको सॉल्व कर लो तो 3.011 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। अब आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब एटम्स बताओ, अब एटम्स कैसे आएंगे बताओ श्वेतिका? एटम्स अब क्या करेंगे हम,
जो हमारा आंसर आया उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना, टू से. सो एटम ऑक्सीजन में दो एटम होते हैं, सो एटम इज इक्वल टू 2 × 3.011 into 10 raised power 23, तो 6.022 into 10 raised power 23 atoms. कर लीजिए कॉपी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. लो बेटा ये हो गया, नाउ ट्राई दिस न्यूमेरिकल. इसमें आप सारे ट्राई करो, देखो आपसे कौन सा नहीं होगा, मोल वाला हो जाएगा, ग्राम वाला हो जाएगा, ये यू वाला नहीं होगा. अब ये यू क्या होता है, यू होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट. आप इसे ट्राई करते रहिए, मैं बस यहाँ पे कुछ हिंट दे रहा हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा. देखो मोल हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी एक नोट बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये यू के साथ आ जाएगा तो ध्यान से करना पड़ेगा. हमने छोटी क्लास में एएमयू पढ़ा हुआ है, एएमयू को हम यू भी कहते हैं. इसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, याद आ गया. एंड व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम. वन एएमयू और एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम. लो जी याद आ गया. अब आप इसे नोट कर लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगली वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे.